न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले हुए मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए धांधली को लेकर जहां आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी धांधली की है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी मिलकर यहाँ पर बहुमत साबित करती हुई नजर आ रही थी। 20 पार्षद उनके पास थे लेकिन 8 पार्षदों को किस तरीके से अवैध यहाँ पर बता दिया गया स्पीकर के जरिए और उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर मेयर चुनाव भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाती है, इसी का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया। अब इस विरोध के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यहां पर सीधे तौर पर इस चुनाव को लेकर लताड़ लगाई है। दरअसल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रेजाइडिंग ऑफिस का वो वीडियो भी देखा जिसमें वो वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। CJI ने कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ है उससे हम सब स्तब्ध हैं। CJI ने कहा है कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। CJI ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा और नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास मौजूद था, दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चित काल के स्थगित करने का आदेश दिया। मसलन नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सुनवाई हुई उसके बाद सुनवाई के बाद मामले को 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यही देखना होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधलीबाजी देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगाए गए, अब इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सुनवाई की तारीख 12 फरवरी दी गई है, क्या इस दौरान ये कहा जा सकता है कि दोबारा से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होते हुए नजर आएंगे।